नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 9 जनवरी 2023, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह, कृष्ण पक्ष की तिथिया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में आम लोगों को लगा है झटका, 3 रुपए महंगा हुआ है डीजल। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार से कुछ घंटे पहले सुखेंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर राज्य की जनता को तगड़ा झटका दिया। दरअसल कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राज्य में आधी रात से ही डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर यहां पर डीजल को जो है महंगा कर दिया है। वही टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने डीजल पर जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें इजाफा कर 7 रुपए 40 पैसा प्रति लीटर से कर दिया है। वही शिमला में जो मतलब डीजल जो है अब 82 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वही दूसरी ओर नेशनल लेवल पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वही दूसरी ओर पेट्रोल पर वेट में मामूली यहाँ पर 0.55 रुपए प्रति लीटर की कटौती जो है हिमाचल प्रदेश में की गई है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम जो यहाँ पर है 96 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी, बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में बड़ी है सर्दियों की छुट्टियां। इन दिनों उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहे, लगातार लुढ़कता पारा लोगों के आम जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वह मौसम विभाग के माने तो लोगों को फिलहाल कुछ दिन तक इस ठंडी और शीतलहर से राहत मिलने के आसार बहुत ही कम है। इस बीच कई राज्य सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्दियों की छुट्टियों को घोषणा जो है वो यहाँ पर की है। दरअसल जो पहले जो सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा की है उसे अब आगे बढ़ा दिया जा रहा है। दरअसल पटना में भी स्कूलों को अब 14 जनवरी तक यहाँ पर बंद रखा जाएगा। वही झारखंड में सभी जो स्कूल हैं 5वीं तक की क्लासें जो है वो अब 15 जनवरी तक बंद रहेगी, यानी 15 जनवरी तक बंद रहने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ती ठंड को देखते हुए LKG से 5वीं तक के सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक यहाँ पर बंद रखने की बात यहाँ पर कही है। वही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वही मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में झारखंड में 3 से 4 डिग्री तापमान गिरने का अनुमान जताया है। वही दिल्ली में ठंड जो है लगातार जारी है, शीतलहर का असर भी यहाँ पर लगातार जारी है। वही 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान कक्षा 9वीं और 12वीं तक के जो एक्स्ट्रा क्लासेज है वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जारी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी सर्दी को देखते हुए सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास जो है सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा बिहार में भी ठंड और कोहरे के चलते हुए पटना के स्कूल जो है अब 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि ये फैसला केवल कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए लिया गया है। 10वीं क्लास तक के छात्रों की सभी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं वो चंद्रा यहाँ पर जो है वो 14 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेगी। इससे पहले स्कूलों को 4 जनवरी से बंद किया गया था, 7 जनवरी तक उसे बढ़ाया गया था, लेकिन अब सर्दी का सितम को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नोएडा के अंदर भी जो स्कूल है वो 14 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा ताजा आदेशों के अनुसार नोएडा में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल शीतलहर के कारण 14 तारीख तक यहाँ पर बंद रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो 50 दिन में 27 नदियों से गुजरेगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर्स क्रूज, पीएम मोदी 13 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर्स क्रूज को 13 जनवरी 2023 यानी शुक्रवार को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। वह क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। दरअसल नदी में चलने वाला क्रूज जो है क्रूज जहाज जो है वो MV गंगा विलास 13 जनवरी को यहाँ पर वाराणसी से अपने पहले सफर के लिए निकलेगा। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से रवाना होकर बक्सर, रामनगर और गाजीपुर में रुकने के बाद यात्रा के 8वें दिन जो है वो ये पटना पहुंचेगा। वह इसके बाद जहाज जो है कोलकाता के लिए भी यहाँ पर रवाना होगा। यहाँ पर फरका और मुर्शिदाबाद होते हुए 20वें दिन ये यहाँ पर 20वें दिन पहुंचेगा। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर से जो ज़्यादा का लंबे सफर जो है वो तय करेगा। इस क्रूज ये जो क्रूज है भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते अपनी मंजिल पर जो है वो पहुंचेगा। वही केंद्रीय बंदरगाह, पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्री जो है सर्वानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि ये जो MV गंगा विलास जो है उसका यहाँ पर उद्घाटन होने के साथ ही भारत नदियों से क्रूज सफर के वैश्विक मानचित्र का हिस्सा जो है यहाँ पर बन जाएगा। वही यात्रा के दौरान क्रूज पटना, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी
मांजुली द्वीप से यहाँ पर गुजरेगा। ये 50 दिन में 3200 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। भारत में इस वक्त आ सकती है कोरोना की लहर। ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट है मौजूद। चीन के बाद अब जापान और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के हालात जो है बिगड़ने लगे हैं। भारत में संक्रमण फिलहाल काबू में है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ साल से ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पर जनवरी में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। वह भारत में विदेश से लौटने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। वह 24 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 के बीच बाहर से आए 124 यात्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वह सभी के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वह 40 रिपोर्ट आ गई है, इनमें ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। सबसे ज्यादा मामले जो है XBB और BQ11 सब वेरिएंट के हैं। वह चीन, जापान और साउथ कोरिया समेत कई देशों में कोरोना विस्फोट के बाद भारत ने 24 दिसंबर 2022 से 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के रैंडम सैंपलिंग स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। वहीं 3 जनवरी तक यहां पर 9 लाख के आसपास यात्री यहां पर आए हैं, जिनमें करीब 2000 लोगों का टेस्ट हुआ है। इनमें 124 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। वहीं अमेरिका में लगातार कोरोना के जो XBB जो वेरिएंट है उसके कई मामले सामने आ चुके हैं। वह कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के कारण अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं। XBB जो वेरिएंट है वह ओमिक्रॉन से संबंधित एक वेरिएंट है। वह अमेरिका में वायरस के 44% मामले जो है XSB और XSB 1.5 के हैं। वह WHO ने ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB 1.5 के यहाँ पर बारे में कहा है कि ये वेरिएंट जो है काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला है और हर दूसरे हफ्ते में इससे यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या जो है दुगनी हो रही है। WHO ने XBB 1.5 सुपर वेरिएंट से उत्तरी पूर्व अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित इसे यहाँ पर माना है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं। 58,938 लोगों को दी गई है पिछले 24 घंटों में वैक्सीन। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो है 163 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इसमें कोरोना का जो आंकड़ा बढ़कर 4,40,00,000 के आसपास है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में से बदलाव के बाद संक्रमित की डेली पॉजिटिव रेट भारत में 0.10% हो गई है, जबकि जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है जो 0.11% पर पहुंच गया है। वहीं भारत में अभी कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या जो है 2400 के आसपास यहाँ पर बताई जा रही है, 2423 के आसपास है। वह एक्टिव केस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगातार अभी यहाँ पर कुछ इलाकों में कम हो रहे हैं, यानी कुछ इलाकों में कभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो कभी कम होने लग जाते हैं। वही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे ताकतवर तैयार के रूप में अपनाई जा रही वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी भी देखने को मिली है। भारत में कल कुल 58,000 के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। बात करते हैं अगली खबर की, तो भीम UPI ने व्हाट्सएप में मारी है एंट्री। सिर्फ फाइल लेकर भेजने पर मिलेगी लेटेस्ट फीचर और ऑफर्स की जानकारी। लोगों के पास भीम NPCI के नाम से टेक्स्ट मैसेज यहां पर आ रहे हैं। वह टेक्स्ट मैसेज में लिखा है कि आपका पसंदीदा जो भीम UPI ऐप है, ऐप अब आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी इसके यहाँ पर है। दरअसल 9 साल का पहला यहाँ पर ग्रिप यहाँ पर जो है वो क्लेम करने के लिए बरियोसी 11 पर आपको यहाँ पर हाई लिखकर भेजे और अब एक तरफ से यहाँ पर मैसेज यहाँ पर आएगा। इस तरह के कई फ्रॉड भी हो रहे हैं। दरअसल इस मैसेज को लेकर लोग अभी सतर्क है, लेकिन PIB फैक्ट चेक ने बताया है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ये मैसेज बिल्कुल सही है। दरअसल PIB फैक्ट चेक के मुताबिक भीम UPI ऐप का अब एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल जो है अभी बन गया है। अगर आप भी भीम UPI के जरिए भीम ऐप यूज यहाँ पर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि भीम ऐप के व्हाट्सएप चैनल पर यूजर्स सभी नए फीचर ऑफर्स को लेकर यहाँ पर मतलब लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पर कर दिया जाएगा, ताकि भीम ऐप यूजर्स सभी ऑफर्स का लाभ यहाँ पर उठा सके। वह भीम ऐप अपने व्हाट्सएप चैनल का नंबर भी यहाँ पर उसने शेयर किया है। अगर आप भी भीम ऐप से जुड़े सभी लेटेस्ट फीचर और ऑफर्स के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर में भीम ऐप का जो मोबाइल नंबर है वो सेव करना होगा। नंबर है 8291111991। इस नंबर पर आप हाई लेकर आपको भेजना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल जियो को टक्कर देगी BSNL। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अप्रैल 2024 तक लॉन्च करेगी 5G सर्विस। एयरटेल और जियो के बाद अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL जो है
वो भी अपनी 5G सेवा को लेकर यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी जो है वो कर रही। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन आईटी टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव ने उस बारे में यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म किया है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट किया है कि BSNL अपनी जो 5G सर्विस है उसको अप्रैल 2024 तक पेश कर देगा। फिलहाल कंपनी 4G पर ध्यान यहाँ पर दे रही है। BSNL 4G नेटवर्क लॉन्च होने के एक साल के अंदर ही इसको 5G जो है 5G उसके ऊपर अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल BSNL TSC और C.DOT के साथ मिलकर 4G सेवाएं लॉन्च करने पर काम कर रही है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार BSNL 5G मार्च या फिर अप्रैल 2024 से उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि नेटवर्क अपडेशन का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। BSNL रेपिडली 4G सर्विस को पेश करेगा, ऐसा ही यहाँ पर 5G के साथ भी यहाँ पर होगा। अश्विनी वैष्णव ने एयरटेल और जियो 5G सर्विस को ओडिशा में पेश करने के दौरान ये बात यहाँ पर उन्होंने कही। उन्होंने दावा किया है कि पूरे ओडिशा में BSNL 5G सर्विस अगले 2 साल में उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि राज्य में 5G सर्विस 26 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगी। वही BSNL 5G सर्विस होने के बाद यहां पर लॉन्च होने के बाद एयरटेल और जियो को टक्कर जो है वो मिलेगी। आपको बता दें कि एयरटेल और जियो भारत में अक्टूबर 2022 से ही 5G सेवाएं लॉन्च उन्होंने कर दिया है। इसके बाद अब तक कुल एयरटेल और जियो दोनों कंपनियों ने कई शहरों में 5G सेवाएं लॉन्च की है। वही 5G सर्विस यूज करने के लिए आपके पास एलिजिबल इस्तेमाल जो स्मार्टफोन है और टेलीकॉम प्लान आपका होना जरूरी है। हालांकि इसके लिए आपको कोई 5G प्लान लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। देखिए, बैंक ने FD पर बढ़ाया है ब्याज, अब मिलेगा 7.15% का रिटर्न। देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए यहाँ पर खुशखबरी दी है। दरअसल बैंक ने अपने FD जो रेट्स है उसमें इजाफा करने का ऐलान किया है। दसे जो बढ़ोतरी जो है बल्क FD पे की गई है। बैंक अब 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए की FD पर बैंक ने बदलाव किया। बैंक ने ये ऐलान किया है कि ये दर जो है वो 7 तारीख से लागू हो चुकी है और अब ग्राहक 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि तक के FD पर ज़्यादा ब्याज दर का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल बैंक ग्राहकों को इस दौरान यहाँ पर 4.5% से लेकर 6.75% का ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वह अधिकतम ब्याज दर जो है 15 महीनों से लेकर 2 साल की FD पर 7.15% ऊपर ये बैंक कर रहा है। यानी अलग अलग रिटर्न्स तरीके से अलग अलग यहाँ पर ICICI बैंक की ओर से FD पर जो ब्याज दर है वो दी जा रही है, लगाई जा रही है।